शनिवार रात हादसे में गंभीर घायल हुई बालिका का आखिरकार डीसीएन लाइव में समाचार प्रसारित होने के बाद जिला अस्पताल में उपचार शुरू हो गया। शनिवार रात जैसलमेर रोड पर टैक्सी को कार ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने अपने वाहन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सालय में गंभीर घायल मासूम विशाखा का उपचार शुरू नहीं हो पाया। समाचार प्रसारित होने के बाद चिकित्सकों ने बच्ची का उपचार शुरू कर दिया। शनिवार रात हुए हादसे में गंभीर घायल हुई बच्ची का आखिरकार सोमवार को उपचार शुरू हो गया। इसको लेकर डीसीएन लाइव में समाचार प्रसारित राजकीय चिकित्सालय की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता उजागर की थी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिस मामले में बेहद संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई, अस्पताल प्रबंधन ने ढिलाई दिखाते हुए मरीजों का मर्ज और बढ़ा दिया। दरअसल शनिवार रात जैसलमेर रोड पर जा रही एक टैक्सी को कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मूली देवी, उसकी बेटी विशाखा और एक अन्य बुजुर्ग घायल हो गए। वहां से गुजर रहे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अपने वाहन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया और करीब आधे घंटे तक अस्पताल में ही रुककर घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू करवाया। कलेक्टर के जाते ही अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी शुरू हो गई और हादसे में गंभीर घायल मासूम विशाखा के पैर की हड्डी का फ्रैक्चर दुरुस्त करने को लेकर चिकित्सकों ने घोर लापरवाही बरती। रविवार को पूरे दिन विशाखा की मां मूली देवी चिकित्सकों के चक्कर लगाती रही, लेकिन विशाखा का उपचार नहीं हो पाया। इस पर डीसीएन लाइव ने समाचार प्रसारित करते हुए अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही को उजागर किया। इसके बाद कहीं जाकर सोमवार को विशाखा का उपचार शुरू हो पाया। मारे में शनिवार दिन सोम रहे ने आड़ी छह बजे में बीएसएन ऑफिस एक नंबर गेट गन वो तो निकलया। टैक्सी में जाता था घरे लारों की गाड़ी आई जो टक्कर ठोके ने खुल्लो आई जो बार टक्कर ठोके मैंने एक्सीडेंट करे वो तो दौड़े गए था। लेकिन कलेक्टर साहब उठा आया तारा मारे कलेक्टर साहब लाइन मन भर्ती किया तारा मत ये भाई उठा इलाज शुरू हो को नहीं सोम रविवार इलाज हो को नहीं तो मीडिया वाला आया और कलेक्टर साहब फोन कियो और तो चौधरी साहब वो जीतिया जो बूटो में हुआ फोन कियो जदे मारे ये फटाफट इलाज हुआ रो हमें मारे छोरी ठीक है ऑपरेशन भी हाँ ऑपरेशन भी जो मारे हैं गोर सक्सेस हुआ ऑपरेशन गोर मारे। राजकीय अस्पताल में वैसे भी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे ही रहती हैं। सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं हमेशा अधिकारियों के निशाने पर रहती है, लेकिन गंभीर मामलों में भी चिकित्सक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। जिला कलेक्टर ने जिस संवेदनशीलता के साथ घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने घोर लापरवाही बरतते हुए गंभीर घायल बच्ची का उपचार शुरू नहीं किया। सोमवार को उपचार शुरू होने के बाद बच्ची की मां ने डीसीएन लाइव का आभार व्यक्त किया।